हेलो दोस्तों, मेरे हैप्पी गार्डन में स्वागत है आप सबका। दोस्तों आज मैं बात करूंगी वांडरिंग जू की रिपोर्टिंग के बारे में। और ये देखिए मेरे ये हिबिस्कस का ये प्लांट इस गमले में लगा हुआ है और ये ड्रम है। तो मैंने थोड़ा सा इसकी जो है नेक्स्ट सीजन बरसात के समय इसकी कटिंग मैंने इसमें डाल दी थी, पूरे में फैल गया था। और ये मौसम है, अब आप रिपोर्टिंग कर सकती हैं, इससे कई एक से कई प्लांट्स इसके बना सकती हैं। और ये बुशी में होता है और ये एक तरह से हैंगिंग बास्केट वाला प्लांट है ये। तो मैंने दो प्लांट इसके मैं रख बना चुकी हूँ, मैं भी आपको दिखाऊंगी। तो हमें ये करना है कि ये एक मैंने ये छोटा सा पॉट ले लिया है। ऐसे आपके पास जो कोई भी कंटेनर हो या वेस्ट मटेरियल पड़े हों छोटे, ज़रूरी नहीं है कि आप गमला ही खरीद के लाएँ इसके लिए, तो ये आप उसमें ग्रो कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने ये देखिए ये छोटा सा देखिए ये प्लांट है, जो प्लांटर है देखिए हथेली में आ रहा है, 2 इंची गहराई है इसकी। और मैंने इसकी पॉटिंग सॉइल बना के रखी हुई थी, अब मैं बताऊंगी कि आप कैसे इसको निकालना है। देखिए बस ये ऊपर ये बस ग्रो होती है, इसको हल्का सा ये आप ऐसे खुरपी से भी आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर ऐसे हाथ से उठा के देखिए इसकी जड़ें जो हैं बस ज़्यादा आधी आधी इंची तक की फैलती हैं, ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती हैं। तो बस इसको ये ऊपर से आप ऐसे रख देंगे, ये देखिए ये देखिए पूरी ये जो है परत ये ऐसे देखिए निकल आ रही है। ये बस ये ऊपर इसको आप भर देंगे ऐसे और इसे पानी देते रहेंगे तो ये अपने आप ग्रो हो जाएगी। ये गर्मी में बहुत अच्छी ये पनपती है, इसको फुल सनलाइट में रखिएगा। मई जून की धूप थोड़ी सी बचानी पड़ती है, बाकी ये गर्मी का ये प्लांट है। और इसको हैंगिंग बास्केट में आप लगाएंगे तो बहुत प्यारा लगेगा। ऐसे मैंने कई ये बना रखे हैं, वो भी मैं बताती हूँ आपको। तो काफ़ी सुंदर ये लगता है प्लांट। अब ये देखिए मेरे ये जो है गमले में पूरे फैल गई है, बस ये ऊपर आप बहुत ये आसानी से निकल आती। देखिए अभी इसको इसी के ऊपर ये रख देंगे और ये धीमे धीमे इसकी ये जड़ें सब रूट्स फैल जाएंगी, अंदर मिट्टी में मिट्टी को पकड़ लेंगी। तो इस तरह से ये मैंने वांडरिंग जू के ये 4 प्लांट, एक और ये है छोटा मेरा है कि एक का ही है, तो मैं इसको भी लगा दूंगी। और ये बहुत तेज़ी से फैलती हैं दोस्तों, एक बार जहाँ लग गई तो फैलना शुरू कर देती हैं। और ये प्लांटर मुझे खाली भी करना था, तो इस तरह से ये देखिए पूरे में फैल गई है। और इसमें मेरी कड़ी पत्ते का प्लांट लगा है। अब ये इस तरह से आप बस रख दीजिए और ये ऐसे फैल जाएंगी, खूब ग्रो हो जाएंगी, नीचे तक लटकने लगती है। हैंगिंग बास्केट प्लांट है, लगता है जैसे ये एकदम मधुमक्खी का छत्ता। और बहुत ही ये कम देखभाल में इसको कुछ नहीं करना है, बस 2-3 दिन में एक बार पानी दे देना है और कुछ भी इसकी केयर नहीं है। और ये घना हो जाता है इसलिए इसमें सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइज़र ही मैं दे देती हूँ, इससे इसकी लीफ घनी रहती हैं। और 2 कलर में ये होती है, देखिए ऊपर से ग्रीन है और ये अंदर से ये पर्पल सी हो जाएंगी। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, अभी जितनी तेज़ धूप होगी उतना ही ये इसका कलर नीचे का पर्पल हो जाएगा और ऊपर का ये ग्रीन हो जाएगा। ओके दोस्तों, मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कमेंट करिएगा। मेरे चैनल में अगर आप नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय, टेक केयर।